खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है, जहां विधायक कुंवर सिंह निषाद और सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना कर किसान कुटीर भवन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र की गलत नीति के कारण किसानों को धान की अतिरिक्त राशि 4 किश्तों में देनी पड़ रही है। कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, जिसमें से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, जिसे कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया गया। ২০১৮ में घोषणा पत्र में स्पष्ट मंशा रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते तो किसान मन पर जैन चाहे कर्जा माफी से हो या धान के खरीदी केंद्र से हो या फिर धान के समर्थन मूल्य हो या किसान मन के सुविधा के बाद जैन करी सरकार वो वादा लग पूरा कर किसान कुटीर के माध्यम से या फिर खाद गोदाम के माध्यम से तेन महत्वपूर्ण काम होते हमार किसान मन जब आते चाहे वो धान खरीदी केंद्र में हो या सोसाइटी में भी तो शुरुआत है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं किसान के लिए नई नई योजना ला रहे हैं। हमारी जो किसान का कर्जा माफी करना, किसान को उसका उचित मूल्य देना, वनोपज का उचित मूल्य देना, गन्ना का, अरहर का, दलहन का, तिलहन का उचित मूल्य देना तो है ही है, ये शुरुआत है। हमारी जो मुख्य योजना है छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी,